नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या है तो बस मेरे बताए हुए नुस्खे आजमा लीजिए। 5 मिनट में आपकी सारी एसिडिटी, पेट फूलना, कब्ज, खट्टी डकारें, ये सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन इनको ध्यान से सुनिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा होने लगी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीजें जिनको अपनाकर इजीली आप एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग एसिडिटी की रोजाना दवाई खाते हैं। कहते हैं कि अगर उनको दवाई नहीं खाई तो उनको इतनी ज्यादा गैस बनती है, इतनी ज्यादा चक्कर आते हैं कि वो पूरा दिन कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि एसिडिटी की दवाई जब तक आप खाएंगे तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही आप खाना बंद करेंगे दोबारा से आपको एसिडिटी होने लगती है। तो कोई भी अगर आप ऐसी एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हैं, वो एक बीमारी को तो दबाती है लेकिन दूसरी 10 बीमारियों को खड़ा कर देती है और आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बिगाड़ देती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि दवाइयों से परहेज करें, बल्कि आयुर्वेद में हर चीज का परमानेंट इलाज है। पहली चीज जान लेते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे कोई पैसे नहीं देता, लेकिन हाँ अंदर से एक मोटिवेशन देता है, बहुत खुशी देता है जो हर चीज पैसे से नहीं मिल पाती। तो वो खुशी मैं फील करना चाहती हूँ, तो प्लीज लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है और साथ में शेयर जरूर करिएगा। तुलसी, तुलसी हमारे आयुर्वेद में रामबाण औषधि का काम करती है हमारे शरीर के लिए। तुलसी हमारी पेट की सारी तकलीफों को दूर करती है। अगर आपको एसिडिटी है, खट्टी डकारें हैं, पेट फूलना है, कब्ज की समस्या है, तो ऐसे में आप रोजाना तुलसी के कुछ पत्ते अच्छे से चबाकर खाएं और तुलसी की कुछ पत्तियां पानी में उबालें और उसमें शहद डालकर मिलाकर खाली पेट पिएं। ऐसा आप रोजाना करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी एसिडिटी जड़ से खत्म हो चुकी है। दूसरा नुस्खा, अगर आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाना चाहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं खाते, हवा पानी भी लग जाता है। तो हवा पानी क्यों लगता है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है वो पूरा दिन जंक फूड भी खाने के बाद भी उनका शरीर फूलता नहीं है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, वो हर चीज को पचा लेते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, दालचीनी को अपनाना है। दालचीनी हमारे शरीर के लिए वरदान है। दालचीनी पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसका सेवन कैसे करना है, आपने 1/4 स्पून गर्मियों में और सर्दियों में 1 चम्मच, 1/4 चम्मच गर्मियों में आपने 1 गिलास पानी में उबालना है। जब वो कड़ कर आधा ग्लास रह जाए तो उसको ठंडा करके हल्का चाय की तरह सिप सिप करके रोजाना खाली पेट पी लीजिए। इससे आप कुछ ही दिनों में नोटिस करेंगे कि आपकी एसिडिटी जड़ से खत्म हो चुकी है। आपका पेट फूलना, सब तकलीफें, जितनी भी आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब बारी आती है तीसरे इंपॉर्टेंट चीज की, जो भी हमारी किचन में अवेलेबल है, लौंग। लौंग में मौजूद तत्व एसिडिटी से निजात दिलाने में हमारी मदद करते हैं। लौंग को सिर्फ मुंह में रखकर इसका रस पीने से भी आपको बहुत आराम मिलता है। आपको क्या करना है, रोजाना घर से जब निकल रहे हैं एक लौंग अपने मुंह में रख लेनी है। धीरे धीरे जैसे उसका रस आपके अंदर जाएगा शरीर के, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो गई है और एसिडिटी बिल्कुल शांत हो गई है। जीरा, जीरा आपके लिए वरदान है। जीरा आपको अंदर से ठंडक देता है, आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है और साथ में आपके पाचन तंत्र को बहुत बढ़िया करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच जीरा जो है इसको पानी में बॉईल करो, जीरा चबा के खा लो और पानी वो वाला खाली पेट सुबह पी लो। आपको एसिडिटी होगी ही नहीं, और एसिडिटी अगर आपके शरीर में बढ़ती है तो वो यूरिक एसिड को बढ़ा देती है, आपके गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके नसों में सूजन आने लगती है। तो इससे बचें, जरूर बचें और परमानेंटली बचें इन सब नुस्खों को आजमा कर। इसके लिए आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ का जो तत्व होते हैं, गुड़ में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एसिडिटी को शांत करते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद डेली गुड़ का सेवन करेंगे तो इससे आपको कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। तो ये थे कुछ ऐसे नुस्खे जो आपकी किचन में अवेलेबल हैं, बस उनका इस्तेमाल आपने करना जानना है। तो ऐसे ही खुश रहिए। कभी भी कोई बीमारी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझसे इलाज पूछ सकते हैं, लेकिन दवाइयां लेने बिल्कुल मत जाएं। तो ऐसे ही अपना ख्याल रखें, बहुत सारा खुश रहें। ऐसी मैं भी आपका हमेशा ध्यान रखती रहूंगी, कुछ नई वीडियोस और बेहतरीन नुस्खे आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।